नमस्कार भाई दोस्तों, एक होता कॉन्फिडेंस और एक होता ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस पता क्या होता, जैसे अंध भगत है, चिंटू मिंटू है, आएगा तो इनका पापा ही आएगा, तो फलाना 400 पार, ये पार वो पार, लेकिन इनके पापा तो इनसे बड़े ओवर कॉन्फिडेंस है। जो महात्मा गांधी के लिए बोला छोड़ो और किसी के लिए बोला छोड़ो, क्या एक शब्द भी किसी पार्टी वाले ने बोला है? जो भारतीय सेना के टैंक ड्राइवर मनदीप सिंह ने 27 मई 2024 को रूस में आयोजित वर्ल्ड मैन बैटल टैंक मैनवर चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया, उन्होंने दुनिया भर के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए भारत देश ने प्रथम स्थान हासिल किया, भारतीय सेना के लिए गौरव का पल था, क्या एक शब्द भी बोल लिया किसी भानमनिया ने उसके दलालों ने दिखाया? लेकिन हाँ, एक चीज बड़ी दिखा रहे हैं। आपको पता है इन लोगों ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी आएगा तीसरी बार और शपथ कहां पे लेगा, यह भी तय कर दिया शपथ कहां लेगा। देख सकते हो आप, करते हुए पथ पर शपथ लेंगे और तारीख भी टेक दी कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा, मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होगा। इसे और कॉन्फिडेंस दे और क्या कहोगे, वो कहाँ गए हुए हैं? वो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी ध्यान लगाने के लिए गए हुए हैं, ध्यान लगाने गए हैं लेकिन कैमरामैन साथ हैं ताकि पल पल की फोटो आती रहे, लोगों के सामने फोटो आती रहे कि देखो इनके पापा कैसे ध्यान में बैठे हुए हैं, है ना। अंधभक्त चिंटू मिंटू का क्या है, दिल खुश रहता है, दिल खुश रहता है। अब एक डिबेट देखा, डिबेट में बोल रहा है 400 पार तो हम हो चुके हैं, 400 पार तो ये हो चुके हैं, अभी चाहे सीट एक भी मत आओ हम 400 पार हो चुके हैं। कमाल का ओवर कॉन्फिडेंस है भाई इनके अंदर। तो जनता इनको गांव में नहीं घुसने दे रही, कहीं वोट मांगने नहीं दे रही, बस रोड के ऊपर से रोड शो करके निकल जाते हैं, गांव के अंदर को घुसने नहीं दे रहे, ये 400 पार होकर बैठ गए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे, कमाल है। ऊपर से आम आदमी पार्टी, अभी चुनाव खत्म हो गया, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता क्या बोल रही है कि हरियाणा पंजाब को पानी नहीं दे रहा, उठा दिया वही पुराने, मतलब जो पुराने इश्यूज है ना उठाने शुरू कर दिए, पहले पंजाब हरियाणा को लड़वाते थे पानी के नाम पर, अभी दिल्ली वालों को बोल रहे हैं कि पंजाब वो हरियाणा पानी नहीं दे रहा दिल्ली को, इसलिए पानी की किल्लत है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अभी पानी की भारी कमी हो रही है। ये इस आम आदमी पार्टी का चेहरा जिसको कि हम बीजेपी 2 बोलते हैं, और ये 2 ही है, ये भी वही राजनीति करते हैं जैसी राजनीति वो करते हैं, फूट डालो राज करो, वही इनकी है, वही इनकी है, इनसे अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन जनता की समझ में क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा कैसे चल रहा है, कब तक चलेगा ये तो हमारे को नहीं पता। लेकिन एक तो ना छोटा सा जवाब तो उसका जो बोला था ना मोदी साहब ने बोला था, प्रधानमंत्री भाई हमारे देश के और तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं 9 जून को, डेट फिक्स हो गई है, कहां लेंगे, कर्तव्य पथ के ऊपर, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। क्या बोला, एटम ब्रो की फिल्म आने से पहले कोई नहीं जानता था गांधी को। ओके, आपको बता देते हैं कि गांधी टाइम मैगजीन के मैन ऑफ द ईयर बन चुके थे, 3 बार टाइम्स पत्रिका के ऊपर उनका फोटो आया था, 3 बार टाइम्स पत्रिका बहुत बड़ी पत्रिका होती है, बहुत बड़ी पत्रिका, ये बोले 1982 में फिल्म आई तब लोग जानने लगे कि गांधी भी था कोई, मतलब क्या इन लोगों का ताजा दिव्य की उसमें कोई योगदान है नहीं, हालांकि योगदान सबसे ज्यादा उन शहीदों का है जो शहीद हुए थे, सबसे बड़ा योगदान उनका है, सबसे ज्यादा योगदान सिखों का है 90%, कहीं है नोटों पे फोटो किसकी होनी चाहिए थी, सिखों की होनी चाहिए थी, पूरे सिखों की लगाओ जैसे लगाते हैं डॉलरों पे फोटो आती है सिखों की, नोटों की जरूरत नहीं है सिखों को कोई, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, ये मतलब कुछ भी बोल देते हैं। अभी भानमंडिया और उसके दलालों को मुद्दा मिला, ये देखिए मोदी जी ध्यान लगा, मोदी तो भगवान है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ, वो तो भगवान है, फिर भगवान क्यों दूसरा उसका जा रहा है, अगर 2024 में दोबारा बन गया ना, ये बन गया, इसके मंदिर भी बनेंगे, उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करने भी यही बंदा जाएगा, ये बता दिया आपको, याद रखना इस चीज को, वो खुद जाएगा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, कमाल है। उसमें जाकर बोलते हैं पंजाब में जाकर, आज तो भाई योगी आया था, कर क्या होगा हिंदू मुसलमान पंजाब के अंदर, बताना थोड़ा सा, पंजाब में हिंदू मुसलमान का देगा कौन डोज, क्योंकि उसके पास कुछ अलग है ही नहीं, कुछ भी अलग नहीं है उसके पास। अब वो मुसलमान सिख करवाना चाहता है क्या, ये जो हिंदू मुसलमान का राग अलापते रहते, आपको पता है जो मणिपुर का मुद्दा है यूरोपियन उनके अंदर उठता, संसद के अंदर उठता, यूरोप की संसद के अंदर मणिपुर का मुद्दा पहुंचा, मणिपुर का मैं बोलकर वोट मांगी क्या इन लोगों ने, वोट मांगी, चाइना का चय बोल के दिखा दो, 624 गांव बसा दिए, चय भी बोल दे दो, लेकिन पीओ को ले लेंगे। पाकिस्तान की मीडिया रो रही है तीसरी बार मोदी आएगा तो पीओ को ले लेगा, आज तक तो लिया नहीं, आज तक तो एक टुकड़ा तुम चीन से एक पत्थर लेके दिखा दो, वो 624 गांव बसा दिए अरुणाचल में, वो एक पत्थर लेके दिखा दो वहां से, पूरा वो अरुणाचल लेना तो बहुत दूर की बात है, चाइना का चय बोल के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं कि बड़ा दमदार प्रधानमंत्री भाई चाइना का चय बोल के दिखा दे, कहां गई वो लाल आंखें, कहां खत्म, टाटा बाय बाय, वो लाल आंखें तभी होती है जब डोज ज्यादा हो जाता है इनका, सस्ते नशे का डोज ज्यादा हो जाता है ना, तब इनकी आंखें लाल होती, फिर ये कुछ भी उल जुलूल बोलते रहते हैं, और ऐसे इनको पता तुम्हारे सामने वाले ऐसे ही वो तालियां बजाएंगे, बस तालियां बजाने के लिए भीड़ को ये रखते हैं,
उनका अंदर से कच्चा फटा हुआ है, उनको कोई दिक्कत नहीं, घर में खाने के लिए दाने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा तो इनका पापा ही। कमाल है यार। गोदी मीडिया थोड़ा सा ना मनदीप सिंह का बताना, जो लड़का जीत के आया है ना, इस गोदी मीडिया से थोड़ा सा दिखाना इसका। सिंह है कोई बात नहीं, सिंह इज किंग, तुम्हारे को दिखाने की जरूरत नहीं है, विदेशी मीडिया में खूब चल रहा है। और हाँ, उसका पूरा वीडियो देखना ना मनदीप सिंह का, तो जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है ना, टीम दीपक फौजी के नाम से, पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ, आप उस पर पूरा वीडियो चेक कर सकते हो, जो मनदीप सिंह कैसे फर्स्ट आया, कहाँ कितने देशों ने तालियां बजाई, ये पता है। जरूरत है वो ऐसी मंडियों और मंडियों के दलालों की जरूरत नहीं है उसको, सिंगों को इनकी जरूरत नहीं है, ये भी बता देते हैं पहले ही, इनको पसीना आया हुआ है। ये मंडिया कभी जिक्र ही नहीं किया खडूर साहिब सीट का, कमाल हो गया ना। जिक्र करते तो जिक्र आता अमृतपाल का, जिक्र अमृतपाल का आता तो फिर क्या करते, एनएसए झूठा, आज तक कोई आरोप साबित नहीं होया। कमाल की बात ये देखो, कितने बार पंजाब सरकार बोल रही है नहीं जी ये तो केंद्र सरकार ने किया है, बिना पंजाब सरकार की मर्जी के कर दिया क्या केंद्र सरकार ने, लेकिन नहीं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते, बस जनता को उल्लू समझते हैं ये लोग, इनको कुछ नहीं पता, बस अपना चलते रहो आगे, फिर आ जाएंगे फिर वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, मुसलमान सिख, ये सब चलेगा, ये सब करवाना करवाते रहो। और कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा इनका कि कर्तव्य पथ पर 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे। बड़ा कमाल हो गया है, इससे बड़ा कमाल हम कहीं नहीं देख सकते, कहीं पर भी। आपको पता है वाराणसी की सीट नहीं जीत रहे मोदी, वाराणसी की सीट के ऊपर मुश्किल हो रखी मोदी को। गृह मंत्री अमित शाह वहां जाते हैं और जितने वो साधु संत होते हैं ना, सबकी मीटिंग करते हैं कि मोदी के लिए वोट मांगो, मोदी का वोट बैंक बढ़ाओ। वहां हिंदू महासभा इनका विरोध कर रही है, वाराणसी के अंदर हिंदू महासभा इनका विरोध कर रही है। सबसे बड़ा कमाल इस इलेक्शन में पता है क्या है, इलेक्शन का सबसे बड़ा कमाल पता है आपको, कि आरएसएस ने इलेक्शन में कोई भागीदारी नहीं की है, कहीं पर भी भागीदारी की हो तो बता दो, कहीं मोहन भागवत का कोई बयान आया हो, देखे आपने, नहीं देखा होगा ना, देखना चाहिए था। ये सब चल क्या रहा, ये आपस में ही इनकी नहीं बन रही है ये लड़ाई, जो 2027 की तरफ सरकारें हैं। हालांकि हरियाणा में तो 6 महीने बाद चुनाव है, देख लेंगे 6 महीने बाद भी देख लेंगे। यहाँ नारंगी संतरों की कोई जरूरत नहीं है, अपने नागपुर वापस पैक हो जाओ, यहाँ से पैक कर दिए नारंगी संतरे, पंजाब ने भी पैक कर दिए, हमारा हरियाणा पंजाब खुशहाल रहने दो, हमारे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं हमारे को इनकी। हाँ, आएगी यूपी में आते रहो तुम, बार बार चुनते रहो, यूपी में जो चल रहा है सबको पता है, वहां राम राज्य चल रहा है, राम राज्य बहुत अच्छे वाला राम राज्य चल रहा है यूपी में, ये भी पता होना चाहिए सभी को। तो ये राम राज्य तुम्हारे को मुबारक हो, हमारे को ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए, हमारे को हमारा खालसा राज चाहिए, जहां पर सब सुख शांति से रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हंसी खुशी रहे, वो खालसा राज चाहिए हमें, हमें किसी उस राम राज की या हिंदू राज की कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ खालसा राज की जरूरत है। और वो खालसा राज फिर दोबारा कह रहा हूँ, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में होना चाहिए, पूरी दुनिया में, तब जाके खालसा राज आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बात तो ये कमाल है, 9 जून को कर्तव्य पथ के ऊपर कसम खाएगा, मान गए भाई, वैसे गुड, वेरी गुड चिंटू, तुम मत सुधरना, ठीक है ना, कुत्ते के पिल्ले के भी 7 दिन के बाद आंखें खुल जाते हैं, तुम तो छोटे मोटे टॉमी हो, तुम्हारी तो आंखें खुलेंगी, तुम क्यों छोटे ही रहोगे, तुम टॉमी के टॉमी रहोगे, आंखें तो तब खुलेंगी जब थोड़े बड़े हो जाओगे, तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, और हमारे कोई जरूरत भी नहीं तुम्हारी आंखें खोलने की, कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी आंखें हम खोलना चाहते, ना खुलेंगी ना खोलना चाहते, ये याद रखना तुम। इस बारे में आप लोग क्या राय है भाई, क्या मतलब कि चिट्टी हाथी को उठाकर चल सकती लेकिन भक्तों की आंखें नहीं खुलेगी, ये तो अपना जवाब है भाई, आप लोगों का क्या जवाब है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राय जरूर दिया करो, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। शेयर किया करो वीडियो को ताकि दूसरों तक पहुंच सके। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।